आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 14 जून 2024, दिन है शुक्रवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं आप ही वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 10 दिन 150 लोगों की मेहनत के बाद पकड़ाया बाघ अभियान पर हुए 25 से 30 लाख रुपए खर्च। रायसेन जिले में बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने आदमखोर बाघ को आखिर पकड़ लिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व एवं सुरई के जंगलों से आए दल को इस काम में सफलता मिली। वन विभाग के 100 से अधिक जवानों ने 5 हाथियों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू। सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। हवाई सेवा से जुड़ेंगे 8 शहर, एक माह तक किराए में 50% छूट। राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जबलपुर सिंगरौली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया। इस हवाई सेवा के लिए 6 पैसेंजर सीट वाले एयरक्राफ्ट का संचालन किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू। 18 जून को पूरी होगी स्कूल चयन प्रक्रिया। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने का काम 14 जून से करना होगा, जो 18 जून तक चलेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा 2 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। प्रदेश की 80 बावड़ियां होंगी पुनर्जीवित। 10वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ था निर्माण। भोपाल जल संरक्षण के सबसे पुराने स्रोत बावड़ी को फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। पुरातत्व विभाग 80 बावड़ियों को पुनर्जीवित करने में जुट गया है। ये बावड़ियां 10वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की हैं। प्रथम चरण में सभी बावड़ियों में सफाई की जाएगी। प्राचीन काल में बड़े बड़े दुर्गों की यही जल स्रोत हुआ करते थे। स्नातक में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में 95,000 पंजीयन। 40% अधिक छात्रों ने दिए अपने दस्तावेज। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीजेएमसी, बीएसडब्ल्यू, बीएचएमसी, बीबीए, बीसीए सहित अन्य पाठ्यक्रम की 6 लाख सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 52,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें 41,000 विद्यार्थियों को सीटें मिल चुकी है। राधा रानी को लेकर दिए बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, जिसको भी प्रमाण चाहिए वो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाए। राधा रानी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए बयान पर वृंदावन में संत समाज आक्रोशित है। प्रेमानंद महाराज ने भी आपत्ति जताई। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओंकारेश्वर में कथा के दौरान कहा कि मेरी कई बातों का प्रमाण है, जिसको भी प्रमाण चाहिए वो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाए। इस बात पर मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। राजनाथ सिंह ने संभाला मंत्रालय का कार्यभार। बोले, अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद करेंगे। निर्यात रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हम भारतीय रक्षा उपकरण के एक्सपोर्ट का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए पर ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को सलाम कहने 27 साल बाद लौट रहे हैं सनी देओल। बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट। ऐसा कोई भी साल खाली नहीं जाता है जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बॉर्डर फिल्म का मशहूर गीत संदेश आते हैं गीत ना सुनाई देता हो। क्लट क्लासिक बन चुकी बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर अब अपने सीक्वल बॉर्डर 2 के रूप में फिर सामने आने वाली है। इसके वीडियो की घोषणा सनी देओल ने कर दी है। 29,000 पेड़ों को काटने से बचाने चिपको आंदोलन। महिलाएं बोली, हरियाली देती है जीवन, इन्हें कैसे कट जाने दे। शिवाजी नगर इलाके में लगातार दूसरे दिन पेड़ों को बचाने रहवासी सड़कों पर उतरे। महिलाओं पेड़ों से चिपकी रही, कहा चाहे जान चली जाए पेड़ों को नहीं कटने देंगे। MBMCA पाठ्यक्रम में 2 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी। प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों की संख्या बढ़ने पर यहां विशेष अध्ययन कक्ष के बनाने पर भी सहमति बनी, जिसके लिए राशि सांसद निधि एवं इंदौर गौरव फाउंडेशन द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही प्रतिमा पुस्तकालय में एक व्याख्यानमाला आयोजित करने, माता अहिल्या की 300वीं जयंती व वर्ष भर आयोजन करने की भी सहमति बनी। मेडिकल कॉलेजों में दवाओं उपकरण खरीदने में नहीं होगी देरी। डीन को मिलेगा 25 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार। मध्य प्रदेश के 1387 मेडिकल कॉलेजों में अब मरीजों को दवाई कमी और चिकित्सा संबंधी उपकरणों के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार अब इन कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक को जरूरी सामान की खरीदी के लिए मिलने वाले खर्च का अधिकार बढ़ाने जा रही है, जिससे अब 1 महीने में होने वाला काम केवल 2-3 दिन में ही हो जाएगा। नाथ का शिवराज से सवाल, किसानों को गेहूं पर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल MSP देने से क्यों पीछे हट रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चुनाव में किसानों को लेकर किए वादों को लेकर सवाल पूछा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रदेश में किसानों को गेहूं का MSP 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान का MSP 3,100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। सागर में यात्री बसों की हड़ताल के बाद दमोह से भी बंद हुआ बसों का संचालन। यात्री परेशान। दमोह जिला बस ऑपरेटर के सचिव समीम कुरेशी ने बताया कि सागर में नए बस स्टैंड से बसें चलाई जा रही हैं। इससे जिला बस ऑपरेटरों ने वहां हड़ताल की है, इससे दमोह से भी यात्री बसें सागर नहीं गई हैं। गेहूं की खरीद में पिछड़ा मध्य प्रदेश। 15 दिन में 7% तक बढ़े रेट। जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में कमी बताते हुए PCC चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिन में 7% तक गेहूं के रेट बढ़ गए हैं।
गौशाला में ओटली की मिट्टी हटाने पर भी मिले 12 पुरावशेष। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह आकृतियां बनी हुई हैं। गर्भगृह में जहां 3 दीवारें जैसी संरचना मिली थी, उस स्थान पर मिट्टी भराव कार्य किया गया। सर्वे कार्य को अब तेजी से चलाया जा रहा है। वर्षा को देखते हुए खोदे जा चुके स्थलों पर मिट्टी से भराव भी किया जा रहा है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालु से ठगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी चंद्र सिंह पिता रुगनाथ 2 जून को महाकाल दर्शन करने उज्जैन आए थे। वहीं यहां उनकी मुलाकात अर्जुन नाम की व्यक्ति से हुई। सौदा पक्का होने के बाद श्रद्धालु ने अर्जुन को रुपए दे दिए, लेकिन सुबह फोन लगाने पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। सर्वे के आधार पर अमरवाड़ा विस सीट से प्रत्याशी तय करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि भाजपा ने छिंदवाड़ा में जो षड्यंत्र किया और कमलेश शाह ने जो धोखाधड़ी की, उसका जनता जवाब देगी। उपचुनाव में सरकार, पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग करेगी, पर कांग्रेस पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। श्योपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में भाजपा के 6 पार्षदों का इस्तीफा। नगर पालिका द्वारा शहर के शिवपुरी रोड पर नाले की सफाई करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया था। पार्षद का आरोप है कि वार्डवासी स्वेच्छता से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार थे, लेकिन नगर पालिका ने जबरन अतिक्रमण हटाया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में अब लोग तालाबों से कीचड़, गाद मिट्टी का बिना रॉयल्टी कर सकेंगे उपयोग। जल स्रोतों से निकाली गई कीचड़, गाद मिट्टी की स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम स्तरीय संगठनों, कृषकों को यदि गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है तो ना कोई रॉयल्टी दे होगी और परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। भोपाल बोट क्लब पर संचालित रेस्टोरेंट में मिले कॉकरोच, किचन में पसरी थी गंदगी, किया सील। जोंक रेस्टोरेंट का मामला एसडीएम के निरीक्षण के बाद पहुंचा खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला। एक ही डीप फ्रीजर में शाकाहारी मांसाहारी खाद्य पदार्थ रखे हुए थे। बलिदानी कबीर उइकोई को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। पीएचई मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास घायल हो गए थे। बुधवार की अलसुबह उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बलिदानी आरपीएफ के कांस्टेबल छिंदवाड़ा के बिछुआ विकासखंड ग्राम पुलपुलडोह के रहने वाले थे। योगी सरकार का पसीजा दिल, तर होंगे टीकमगढ़ निवासियों के कंड। टीकमगढ़ के सूखे कंड को तर करने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी जामनी नदी में छुड़वा दिया है। जमरार बांध से 0.72 MCM पानी छोड़ा गया है। बारी घाट आ जाएगा, इस जल संकट को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक गुहार की गई थी। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके तहत पदों की गणना सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर स्कूलवार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इन पदों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। शिक्षा पोर्टल में स्कूलवार संबंधित शिक्षकवार परीक्षण किया जाएगा। शिवराज सिंह की बुधनी सीट पर कांग्रेस की नजर। जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को सौंपी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई बुधनी सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया गया है। उज्जैन के रामघाट पर मिला अजगर का बच्चा, रहवासियों में दहशत। उज्जैन के रामघाट पर अजगर का बच्चा मिला है, इससे श्रद्धालु ही नहीं रहवासियों में भी दहशत है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।